चलो फाइनली निकल तो गया। ओके हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स सिक्किम। अभी क्या कहानी है, क्या हालत है, कुछ नहीं पता अपने को। अभी मैं जाता हूँ सिक्किम बॉर्डर, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि सिक्किम जो है बाइकर्स के लिए कितना ना फैसिलिटीज़ दे रहा है कि वो कैसे जा सकते हैं। सो बेसिकली आज से मतलब 10th of October से बेसिकली सिक्किम खुल चुका है। यू कैन गो, यू कैन स्टे इन होटल्स, यू कैन एक्सप्लोर। आप हेलीकॉप्टर राइड ले सकते हो, छांगू लेक जा सकते हो, नादुला पास जा सकते हो। सो दे हैव ओपन दी टूरिस्ट स्पॉट्स फॉर टूरिस्ट। अक्टूबर 10 से चालू हो चुका है, आज है 13th of October 2020 इन पैंडमिक टाइम। एंड आई एम गोइंग टू अर्थ सिक्किम इन अ होप कि आई कैन एंटर सिक्किम एंड आई कैन नो विजिट द प्लेस कॉल्ड रवांगला। एंड लेट्स सी, कुछ सोचते नहीं है, जाते हैं, पहले देखते हैं क्या प्रोविजंस हैं, क्या है, क्या बाधाएं आते हैं, सब कुछ। एंड कैलिंगपोंग से मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है रम्फर्ट, वो मुझे ज्वाइन करेगा फ्रॉम कैलिंगपोंग। कैलिंगपोंग नहीं जाने वाला हूँ, वो कैलिंगपोंग से नीचे उतर के वो मेरे साथ ज्वाइन करेगा। एंड देन फ्रॉम कैलिंगपोंग का जो मिड पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहाँ से लेकर के रवांगला तक हम लोग जाएंगे। एंड देन आई विल गेट बैक टू कैलिंगपोंग अगेन। सो दिस इज व्हाट द राइड इज गोइंग टू बी। एंड इट्स अर्ली मॉर्निंग राइट नाउ, द टाइम इज अबाउट 8:55 एंड विथ माई पल्सर 220, एंजॉइंग अ लॉट एम्प्टी रोड्स, रियली लविंग इट एंड वेरी हैप्पी कि फाइनली businesses are getting back to work, tourism is getting back to the own place and we can explore. So stay tuned to my channel so that you can get to know that, you know, what are the, you know, provisions, what are the formalities that you have to do to enter Sikkim. Stay tuned to the channel, stay ahead, enjoy the music, enjoy the video. तो देखते देखते हम लोग जो हैं पहुंच चुके हैं सेवक। एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल लोकेशन, व्हाट यू गेट टू सी वंस यू क्रॉस इट फॉरेस्ट। सो काफ़ी लोग जो है मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने 200 NS को बेच के मैंने 220 क्यों लिया, व्हाई आई डाउनग्रेडेड। किसी किसी का तो ऐसा कहना है कि बंदा ने डाउनग्रेड कर लिया अपने लाइफ में अपने बाइक्स को लेकर के। सो बेसिकली मैं एक चीज़ आप सभी को बता दूं कि डाउनग्रेड ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स व्हाट कि मुझे ये बाइक बहुत पसंद था, लाइक सिंस 2010 या 2010 पे मैंने 220 लिया था रेड कलर का, और तब से लेकर के आज तक, यू नो, 220 ने मेरे दिल में जो जगह बनाया है वो जगह बहुत कम बाइक से ले पाएगा, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। और रहा बात कि इसका कंफर्ट का, इट्स अमेजिंग, भयंकर कंफर्ट बाइक है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है ये। सो ये जो पोर्शन है ये टोटली टूट चुका था, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टूट चुका है। अरे यार, इससे तो बड़ा रोड को वाइट करके रख दिया है। सो ये जो पोर्शन है, यही पोर्शन का मैं बात कर रहा था, यही थोड़ा ख़राब है। बाद बाकी ये क्रॉस कर लिए तो ऑल गुड। ये हालत, मतलब जन्म जन्म से साला ऐसा ही रोड है यार, हट। कितने सालों से ये सब हो रहा है, इसका कोई समाधान ही नहीं निकाला इन लोगों ने, समझ में नहीं आता क्या। नो सोल्यूशन एट ऑल।
अब इसका चक्का अटक गया है बेचारे का। सो ये है हालत हमारे वेस्ट बंगाल के रोडों का। अमेजिंग कंडीशन ऑफ रोड्स, नाइस। कोई साला हेल्प भी नहीं करता, सब बाइक में बैठा हुआ है। बकचोद लोग, बहुत लोग बोलते हैं कि मैं स्लीपर्स पहन के बाइक चलाता हूँ। सो दिस इज द रीज़न कि मैं क्यों चलाता हूँ। चलो फाइनली निकल तो गया, एंड दिस विल ये बाइक वाला का देखो, इसको तो मतलब ज्यादा ही छू ले। ओके, पूरा लद्दाख वाला फील आ रहा है यहाँ पे तो। Finally, it's free and now we chill sakte hain. चलो अभी यहाँ पे भी जाम है, इसको भी क्लियर करते हैं, देन मिलते हैं आगे। तो काम किया? देखो आके बहाना दे रहा है मेरे को। चुप कि ये है, वो है, वो है, ये है। देख, ये इज अ मस्ट। ये वाला रास्ता, तेरे को रास्ता कैसा लगा आते समय? हाय, ये मस्ट है या नहीं? ये मस्ट है, मस्ट है, मेरे से सॉफ्ट है, बट रोड कंडीशन इज लाइक, मैं तो बोल रहा हूँ भाई, एक सेकेंडरी बाइक लेना है, वो इंपल्स, नहीं तो हिमालयन, नहीं तो अगर एडवेंचर भाई, बहुत हालत खराब है रोड का। रोड इज लाइक पैथेटिक, और ये लास्ट किस्सा वाला था बहुत ही खराब। केम इन द मॉर्निंग, जाम नहीं मिला, ठीक है यार, मिला हुआ तो बहुत कम। हाँ, इफ यू कम एट अराउंड 7 o'clock आफ्टरनून ना भाई, ऐसा खड़ा रहो ना, तू बोलेगा नमस्ते भाई, तू फंसा है। मैं फंसा, सो 9 किलोमीटर लंबा जाम में फंसा था। 9 किलोमीटर लंबा जाम इन द हिल्स, नॉट इन द प्लेन्स, इन द हिल्स। अरे भाई मेरा दिमाग खराब हो गया रहा है, आई एम लाइक यार, मतलब मैं सोचा यार कहाँ फंस गया, फिर भी तो मैं कैसा भगा भगा के आया हूँ। मैं निकला कितना, 8:40 को। तेरा टाइम कितना भाई डिले हुआ नॉर्मली? नॉर्मल टाइम मैं नॉर्मली 50 मिनट में आता था, रास्ता खराब है इधर तक। हाँ नहीं, तीस्ता ब्रिज तक 50 मिनट मेरा रिकॉर्ड है, लेकिन रास्ता खराब था तो फिर मेरे को स्लो आना पड़ा, तो मैं 8:40 को निकला था। राइट नाउ इट इज़ मैं यहाँ पे अराउंड 9:50 को आया, मतलब वही 1 घंटा 10 मिनट लगा मेरे को, 20 मिनट का भाई, इमेजिन। बहुत खराब हालत खराब है, रोड खराब है और एडमिनिस्ट्रेशन तो एनीवे। चलो अभी हम लोग आगे जाएंगे, एडमिन पे जाना ही है ना, घुमा फिरा के एडमिन को तो भाई देना ही है। अगर नहीं एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं बोलूंगा तो कल को कोई वीडियो देख लेगा तो कुछ लगेगा कि हाँ भाई चलो रास्ता ठीक कर देते हैं, इस होप में बताता हूँ, और कुछ नहीं। चलो गाइस आगे मिलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स मल्ली बाजार। आज हम लोग रंगपो होकर के नहीं जाएंगे, बेसिकली रंगपो इज यू नो सिक्किम बॉर्डर गेट, एंड मल्ली बाजार जो है, मल्ली बाजार वाला जो गेट है वो भी सिक्किम बॉर्डर है। सो अगर आपका रावांगला, नामची, फिर पेलिंग, युक्सम, ये सब जगह पे जाना है तो आप मल्ली बाजार से अगर आप होके अगर आप जाते हो तो इट विल बी मोर कम्फर्टेबल फॉर यू, ज़्यादा लॉन्ग कट नहीं पड़ेगा। कभी तो मेरे आगे जा, ब्रिज जो मल्ली बाजार की तरफ गुजरेगा। सो ये जो आप हरा हरा बिल्डिंग देख रहे हो वो है सिक्किम। सो दिस इज वेस्ट बंगाल, दैट इज सिक्किम, एंड द टिस्टा रिवर इज डिवाइडिंग बोथ द स्टेट्स। सो ये है कहानी,
इस जगह का, एंड हम लोग अभी वहाँ पे जाएंगे। अब देखते हैं हम लोग सिक्किम में एंटर करते हैं, लेट्स सी व्हाट आर द प्रोसीजर्स, व्हाट आर द रूल्स एंड नॉर्म्स वो लोग ने निकाला है टू टेक राइट टर्न। सो वी आर ऑलमोस्ट एंटरिंग सिक्किम एक्चुअली। क्या बोला? ओ ला ला नंबर, हे भगवान अपना गाड़ी का नंबर याद नहीं। तो कुछ नहीं है, बहुत ही इजी प्रोसेस। आप देख सकते हैं दिस इज सिक्किम बॉर्डर, वी आर ऑलरेडी इन सिक्किम एंड दे विल जस्ट चेक यू वेदर यू आर वेयरिंग मास्क और नॉट एंड फ्रॉम वेयर यू हैव अराइव्ड। एंड अगर आप कंटेनमेंट जोन से हो तो आपको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा, एल्स टू जस्ट नोट योर नंबर एंड दे अलाउ यू टू गो। So that's very simple, very easy. So we can enter Sikkim, we can go to Ravangla, Namchi, oh wherever you want. Gurdambar shayad se band hai abhi ke liye, aur Sangmo Lake, Nathula Pass, Zuluk ye khul chuka hai jahan tak as per the news sources got to know about it, ye khul chuka hai. So agar aap ye road lete ho ye bahut hi bekar hai, isko mat lena. Go for this. This road is amazing and it will give you a different feel. मतलब एकदम मक्खन रोड है ये। चलो गाइस आगे चलते हैं, enjoy the music and the visuals. आज जो गर्मी है ना बॉस, मतलब सही में हालत ख़राब हो रहा है। एंड जगह जगह पर लैंडस्लाइड होकर रखा हुआ है। रास्ता का कंडीशन अच्छा है, वेरी स्मूथ, बट इट्स डस्टी एंड इट्स बैड। थैंक यू सो मच। आपको दिखा दूं कि ये जो है कितना मस्त दिख रहा है, इट्स लुकिंग अमेजिंग।
चार दिन की चांदनी फिर तो डूब जाना ही है, बस वही था। इतना मस्त रोड था, मतलब मज़ा आ गया यार मेरे को। तो भाई चलो फिर ये ऑफ रोड कीचड़ वाले रोड, फिर अच्छे रोड। सो दिस हाउ इट गोइंग टू यू नो इट इज गोइंग टू बी कंटिन्यू। मिलते हैं आगे, एंजॉय द रोड्स। Romford on a different level. ये जगह सही में वाकई में ये जगह बहुत सुंदर लगा मेरे को। दिस पैसेज इज सो ब्यूटीफुल। मतलब छोटा सा एकदम नैरो एंड है और मैं आपको दिखा सकता हूँ लेफ्ट साइड में जो आप देख सकते हो, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। देखो पूरा रोड एकदम यू नो ऐसे ऐसे वाला रोड दिख रहा है एंड इट्स वेरी नैरो एंड वेरी ब्यूटीफुल यार। तो कुछ साल पहले लाइक दो साल पहले जब मैं रवांगला आया था उस समय लाइक काफ़ी सालों बाद रवांगला में जो है बर्फ गिरा था और तब मैं रवांगला आया था अपना बाइक को लेकर के पल्सर 200 NS। और मुझे याद है ये पूरा जगह जो था पूरा बर्फ से भरा हुआ था। इन द मंथ ऑफ दिसंबर का टाइम होगा, टोटल बर्फ से भरा हुआ था। और मुझे याद है गाड़ी सब इधर उधर लड़खड़ा रहे थे, लाइक कोई इधर जा रहा था कोई उधर जा रहा था, ब्लैक आइस था। उसके ऊपर से मैं लेके गया था अपना बाइक को एंड इट वॉज क्वाइट टफ फॉर मी बट आई रियली एन्जॉयड। अगर वो व्लॉग अगर आपको देख रहा है ना तो मैं आई बटन में भी आ रहा होगा, आप उसको देख के रख देना, बाद में आप देखना। एंड दैट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। सो वी हैव रीच द बुद्धा पार्क एरिया। रास्ता बहुत सुंदर है, घुमावदार रास्ता है। खुला तो है एंड देयर इज नो वन, लिटरली देयर इज नो वन। ओए होए, लिटरली देयर इज नो वन। आई गेस हम ही लोग होंगे जो रवांगला में आए हैं। दैट्स ए ब्यूटीफुल बुद्धा स्टैचू। नो इट्स ओपन बट देयर इज नो वन, नॉट अ सिंगल पर्सन। वो लोग जो है वो लोग तो यार यहीं के हैं, दे जस्ट कलेक्टिंग द लीव्स एंड ऑल। नॉट अ सिंगल पर्सन ब्रो। हाँ आई नो बट हुई मैं लिटरली मैं शॉक हो गया, देयर इज नो वन। बाइक कहाँ रखता है? ओके सो फाइनली वी हैव रीच रवांगला एंड वॉज वेरी टफ एंड टायरिंग राइड बिकॉज बहुत ही रास्ता खराब था। आप देख सकते हो लाइक शर्ट वर्ड सबका हालत खराब है। रामू हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कैसा था? अच्छा था यार। अच्छा था? आई लाइक ओके सो लाइक अकॉर्डिंग टू रामफोर्ट बहुत ही अच्छा था बट या इट वॉज लाइक यही होता है पार्ट ऑफ जर्नी। सो येस दैट्स ऑल फॉर टूडेज व्लॉग। मैं व्लॉग को यहीं पे अंत करूँगा बिकॉज अगर मैं इसके बियॉन्ड भी अगर मैं दिखाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। सो अगला जो व्लॉग होगा पार्ट टू होगा वो इसमें इफ़ दे अलाउ मी फॉर फ्लाइंग द ड्रोन देन आई विल बी फ्लाइंग द ड्रोन। आई एम प्रीटी श्योर आई एम गोना गिव द अमेजिंग ड्रोन शॉट्स इफ़ दे अलाउ, इफ नॉट देन विल गेट टू सी। तो कोशिश करेंगे ड्रोन शॉट्स लेने का एंड नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलते हैं इनसाइड रवांगला। ये हम लोग बाहर हैं अभी अंदर मिलेंगे। विद ऑल दैट से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव लाइक समथिंग डू प्रेस द लाइक बटन, यू कैन कमेंट इन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स विद फैमिली मेम्बर्स जिसके साथ चाहो उसके साथ। एंड यस सिक्किम इज ओपन, यू कैन कम, यू कैन बूस्ट द टूरिज्म एंड आओ घूम के जाओ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, राइड राइड सेफ। मिलते हैं अगले व्लॉग पे। हाँ रामफोर्ट कुछ कहना चाहिए, बोलो भाई, दुख बोलो। रामफोर्ट का बाइक आज सुबह एकदम साफ था, इट वाज लाइक नीट एंड क्लीन। डोंट वॉश योर बाइक बिफोर यू ब्रो, मेरा हेलमेट के अंदर धूल घुस रहा, क्या कर रहा है तू? डोंट वॉश योर बाइक बिफोर यू कम। सो बाइक अगर आपका गंदा है तो गंदा ही रख के लाना, रास्ता बहुत खराब है फिर दुख लगता है ना।
पैसे देके या मेहनत करके वॉश करवाता है, फिर गंदा होता है। हमारा जनाब साहब कुछ बोलता नहीं है कि रास्ता खराब है, छोड़ दे सस्पेंस ब्रो, सस्पेंस सस्पेंस हमारे। एनीवे बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे रावण के अंदर। बाय बाय।